चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं तीन बेहतरीन गणित के जादू। जी हां दोस्तों, बेहतरीन जादुई ट्रिक है और आज के वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो निश्चित रूप से आपको एक से लेकर नौ तक के अंकों के बारे में एक नई जानकारी मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये हमें पहले से जानना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अगर अंकों के रहस्य को, अंकों के खेल को आपने समझ लिया ना तो गणित जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन आपको सब्जेक्ट लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा और जादुई ट्रिक जैसा लगेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि गणित को सब कठिन समझते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आप हमारे चैनल में जुड़े हैं ना तो गणित आज के बाद आपको कठिन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाई हम एक दो और तीन, मतलब ये जो संख्या है ना, मतलब कोई भी अंक एक से लेकर नौ तक के कोई भी संख्या को हम लेंगे और उस पर आपको छोटे छोटे संक्रिया ऐसे कराएंगे जो किसी जादू से कम नहीं है। अब देखिए, यहां पर मैंने लिख रखा है जादुई अंक, मतलब इसके दूसरे साइड में मैंने कहीं ना कहीं कोई अंक छुपा रखा है और उस अंक को मैं अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि अगर मैं तीन व्यक्ति लेता हूं, यहां पर देखिए, मान लिया जाए मैं कोई तीन व्यक्ति लेता हूं। पहला व्यक्ति मान लिया जाए हमारा राघव हो गया, ये देखिए राघव। दूसरा हमने ले लिया मान लिया जाए सिया और तीसरा हमने ले लिया गुनी। अब इन तीनों से हम कहेंगे कि आपको कोई ना कोई अंक सोचना है, ठीक है? और ये अंक भी कैसा होगा, याद रखिए अंक भी विशेष प्रकार के होंगे। निश्चित रूप से आज हमने तीन नाम लिखे हैं ना, तो आज के वीडियो में हम आपको गणित के तीन बेहतरीन जादुई ट्रिक बताने वाले हैं। अब जादुई ट्रिक कहें या फिर इसको अंकों का रहस्य कहें, ठीक है? तो ये जो हमने जादुई अंक छुपाया है इसमें, तो इसको हम आपको बता दें कि इसको हम एक जगह सुरक्षित कर देते हैं और यहां पर रख देते हैं। अब हम गणित का जादुई ट्रिक करने वाले हैं। तो याद रखिए, मैं आपको बोल दिया ना कि मैं तीन ट्रिक बताने वाला हूं, तो तीनों ट्रिक को जरूर देखिएगा इस वीडियो में, ठीक है? अब हमने पहले आपको बताया है कि हमें तीन व्यक्ति चाहिए, तो सबसे पहले हमने राघव का नाम लिया, उसके बाद हमने यहां पर सिया लिया, ठीक है? और तीसरा नाम हमने गुनी का लिखा था, ठीक है? ये तीनों बच्चे हमारे घर के हैं, आप सभी जानते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम राघव को बोलते हैं, देखिए अब यहां पर शर्त को ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको क्या करना है, ये थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि हम एक से लेकर नौ तक के अंकों का ही विशेष प्रकार से प्रयोग करने वाले हैं। याद रखिए, विशेष प्रकार से प्रयोग करने वाले हैं। अब देखिए, इन तीनों में से किसी एक को हम कहेंगे कि आप कोई भी एक अंक सोच लीजिए, कोई भी, याद रखिए, इन तीनों में से किसी को भी आप कहिए कोई भी एक अंक सोच लेना है। मान लीजिए राघव को बोलते हैं, सिया को बोलते हैं या फिर गुनी को बोलते हैं। चलो हम सबसे पहले सिया को ही बोलते हैं। अगर हम सिया को बोलते हैं कि आप कोई भी एक अंक सोचिए, तो निश्चित रूप से मान लीजिए सिया ने सात सोचा, ध्यान दीजिएगा वो कोई भी एक अंकों की संख्या सोच सकती है, ठीक है? अब क्या करना है, इन दोनों को, मतलब राघव को और गुनी को, इन्हीं संख्या से क्या करना है, इन्हीं संख्या के आधार पर, मतलब अब जो संख्या सोचा जाएगा ना वो तीन का अंतर लिए होना चाहिए, तीन का अंतर। और याद रखिए, आपका अंक जो है एक से लेकर नौ होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, और संख्याओं में आपस में तीन का अंतर होना चाहिए। तो भाई ये कैसे होगा, तो निश्चित रूप से आज के वीडियो को आप पूरा देखेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, हम एक से लेकर नौ तक के अंकों पर अद्भुत रहस्य तो बना ही रहे हैं, इसके रहस्य पर तो वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन आप हमारे अगर चैनल में नए हैं, है ना, और आपने हमारे 369 अंकों के रहस्य, ध्यान दीजिएगा अंकों का रहस्य, हमने इस नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, अंकों का रहस्य नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है 369 अंकों का रहस्य, इस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर देखिएगा, वहां पे आपको अद्भुत गणित के जादुई वीडियो मिलेंगे और अंकों का अद्भुत खेल सीखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर देखिए, हमने बताया कि अगर किसी ने सात सोचा, अब हमें क्या करना है, तीन का अंतर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से अगर हम गुनी को एक अंक सोचने के लिए बोलते हैं तो गुनी क्या करेगी, इसमें चूंकि तीन का अंतर होना चाहिए तो तीन का अंतर होने के लिए बस इसमें तीन माइनस कर देंगे, तो तीन माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, ये हो गया। अब राघव कंफ्यूजन हो जाएगा, भाई राघव को इन्हीं में से तीन अंतर वाला संख्या लेना है, तो देखिए इसमें अगर हम तीन जोड़ेंगे तो वो दो अंकों की संख्या हो जाएगा और हमको शून्य नहीं लेना है, सब बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, राघव क्या करेगा, इससे कनेक्शन जमाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसमें तीन माइनस करेगा, इसमें तीन माइनस करेगा कितना होगा, एक। अर्थात आप देख सकते हैं संख्याओं में तीन का अंतर आपको लेने के लिए कहा गया था, है ना, ये संख्या आपको देख रहा होगा जिसमें तीन का अंतर हमने लेकर के तीनों संख्या बना लिया है, बस आपको ऐसा ही करना है। याद रखिए, यहां पर कोई भी संख्या लिया जा सकता है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, इस प्रकार के अंकों को लेना है।
मान लिया शुरुआत में अगर हम बोले, देखिए कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लिया शुरुआत में किसी ने दो लिया, ठीक है, अब हमें पता है कि संख्याओं का अंतर कितने का होना चाहिए, तीन का। तो अगर राघव ने दो सोचा होता तो सिया कितना सोचता, इसमें तीन जोड़ देते तो तीन और दो कितना होता, पांच। अब इसको सोचना होता कोई भी संख्या तो क्या करना है, तीन का अंतर तो होना ही है, तो पांच में हम तीन अगर जोड़ दे, है ना, तो पांच और तीन कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी हमने तीन का अंतर करके संख्या आपस में बनाए हैं, तो एक से लेकर नौ तक के संख्याओं को आपको इस प्रकार प्राप्त कर लेना है। अब जैसे इस प्रकार के अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, अभी आगे मैं गणित का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ये तो अलग ट्रिक है, इसके अलावा भी मैं आपको दो ऐसे गणित के जादुई ट्रिक बताऊंगा ना जो एकदम यूनिक है, और इस पर मैंने 60 वीडियो पहले से बना रखे हैं और गणित के जादुई वीडियो भी बना रखे हैं, लेकिन ये विशेष प्रकार का है। अब देखिए हमें क्या करना है, जब इस प्रकार का संख्या आ जाएगा तब आपको एक ही काम करना है, इस संख्या को आपको बढ़ते क्रम में मतलब घटते और बढ़ते क्रम दोनों में बनाना है, ठीक है। अब हमको यह भी पता है कि हमें एक से लेकर नौ तक के संख्याओं का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिए आपको इन, देखिए अब तीन संख्या हो गया है तो यहां पर एक संख्या आएगा, यहां पर 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 आएगा, टोटल नौ संख्या हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, संख्याओं को पहले इस प्रकार बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, देखिए इसको अलग अलग प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि अगर बीच में आप ले लिए हैं तो आपको इस प्रकार करना पड़ेगा, अलग अलग संख्या के आधार पर अलग अलग ट्रिक अपनाएंगे, कैसे अपनाएंगे मैं बताते जाऊंगा। यहां पर हम लिखेंगे एक, यहां पर दो हो गया है तो यहां पर क्या करेंगे, तीन करेंगे। उसी प्रकार यहां पर चार आएगा, यहां पर पांच आएगा, उसी प्रकार यहां पर छह आएगा और यहां पर सात आएगा, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया, चार पांच है, उसके बाद यहां पर क्या आएगा, छह आएगा, यहां पर सात आएगा और यहां पर आठ के बाद यहां पर नौ आएगा। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ। हाँ, आपको लग रहा है कि अगर आपका संख्या बीच में नहीं आता तो क्या करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस प्रकार के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में संख्या बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर इतना आपने कर लिया है, इसका दूसरा ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि बीच में अगर दो ना आए, सात आ जाए तो क्या करेंगे, बीच में अगर चार आ जाए तो क्या करेंगे, मतलब इस प्रकार की समस्या हो सकता है, शुरुआत में संख्या जो सोचा जाए उसमें अगर चार आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, तो वो भी बताऊंगा। अब हमें क्या करना है, इसमें ये वाला जो संख्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसको आपको नीचे ले आना है और इसको पलट करके लिख देना है। देखिए जैसे एक दो तीन है तो इसको हमें क्या करना है, तीन दो और एक लिख देना है, और ये वाला संख्या को आपको ऊपर ले जाना है और इसको पलट कर लिख देना है। तो पलट कर लिखेंगे मतलब क्या हो जाएगा, सात यहां पर आएगा, आठ यहां पर आएगा और नौ यहां पे आएगा। देखिए ऊपर और नीचे के संख्या को तो हमने आपस में पलटकर एक दूसरे के नीचे लिख दिया है, लेकिन बीच वाले संख्या के लिए तो जोड़ी ही नहीं है, उसके लिए किसके संख्या को पलटकर लिखेंगे, तो उसी संख्या को पलटकर लिख देंगे, अर्थात यहां पर क्या करेंगे, छह पांच और चार। अब हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो गया है उसमें एक से लेकर नौ तक के संख्याओं का ही हमने प्रयोग किया है, और इन संख्याओं को आपको आपस में जोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ना है निश्चित रूप से। अब देखिए हम आपको रहस्य बता देते हैं, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो जो भी उत्तर आएगा, चलो जोड़ कर देख लेते हैं, इन इन सबको अगर हम जोड़ते हैं, इतनी सब संख्याओं को जोड़ते हैं तो सात और तीन दस, छह चार दस और नौ और एक दस, दस बीस और तीस हो रहा है, तीस का शून्य हो जाएगा, हासिल यहां पर तीन चला जाएगा। तो यहां पर भी आठ और दो दस, पांच पांच दस और आठ और दो दस हो रहा है, तो दस बीस और तीस और हासिल तीन करके तैतीस हो रहा है, तो यहां पर तीन आएगा, फिर हासिल तीन चला गया है। नौ और एक दस, छह चार दस, सात तीन दस, यहां पर दस बीस और तीस हो रहा है, हासिल तीन करके तैतीस हो रहा है। तो ये हमारा उत्तर हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, हम तो जानते हैं कि गणित के हम अलग प्रकार के रहस्यों के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए चूंकि 369 के बारे में आप जानते हैं, यदि इसी में इसी संख्या की बात कर रहे हैं, इसी संख्या में हम 369 को जोड़ते हैं, 369 ये देखिए 369 को हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 9 और यहां पर भी 9, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 3। अब ये हर बार होगा, हर बार का मतलब अगर कोई संख्या इनमें से कोई भी संख्या लेके सोचे, शुरुआत में वो कोई भी संख्या लेता है तब भी ऐसा ही होगा, लेकिन वो कौन सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा उसके लिए वीडियो को थोड़ा सा और देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में संख्या जो है दो पांच और आठ अगर शुरुआत में नहीं सोचा गया होता तो क्या करते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब ये संख्या यहां पर आया है कि नहीं आया है, तो देखिए ये जादुई अंक हमने लिख रखा था पहले से, अब इसको यदि हम पलटते हैं तो ये देखिए यहां पर लिखा है 369 और 9, तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है।
अब इसके अलावा मैं गणित के दो अद्भुत रहस्य और आपको बताने वाला हूं, उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। अभी इसी ट्रिक को मैं थोड़ा से बदल के कर रहा हूं, अगर बीच में सात हो जाता तो क्या करते मान ले जाए, चलिए हम यहां पर लेते हैं बीच, किसी व्यक्ति ने सात सोचा। अब हमने तो बता रखा है कि तीन का अंतर वाला संख्या लेना है, तो आगे अगर हम तीन जोड़ कर लेंगे तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि दस आएगा तो इकाई में शून्य आएगा, जो कि नहीं लेना है हमें। तो एक से लेकर नौ तक के अंकों का ही प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें तीन माइनस करेंगे। इसमें यदि हम तीन माइनस करते हैं तो हमारा अंक कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा चार। अब हमें फिर तीन का अंतर करना है, तो इसमें तीन का अंतर तो कर चुके हैं और इसमें तीन तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर तीन जोड़ेंगे तो दस आएगा, तो एक से लेकर नौ तक के अंकों का प्रयोग करना है तो हमें शून्य नहीं लिखना है। तो हम क्या करेंगे इसी में फिर क्या करेंगे, तीन का अंतर करेंगे। इसमें तीन का अंतर करेंगे तो एक आएगा, इसको चलो हम ऊपर में लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्रिक बदल गया है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे इसके सामने हम कोई संख्या नहीं लिख सकते, ठीक है, इसके सामने तो लिख सकते हैं, इनके सामने भी लिख सकते हैं, इनके बाद में भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर सामने जगह ना बचे संख्या लिखने के लिए, सबसे छोटी संख्या का आपको चयन कर लेना है। ध्यान दीजिए, जो भी संख्या चयन करे, तीनों बच्चे जो है राघव, सिया और गुनी, तीनों अंक जब लेंगे उनमें से सबसे छोटे अंक को आपको चुनना होगा। अब देखिए अब जो ट्रिक बता रहा हूं इसके आधार पर आप कोई भी आदमी ट्रिक को कर सकते हैं। सबसे छोटे अंक को लेंगे और उस छोटे अंक को आपको बढ़ते क्रम में लिख लेना है, एक दो और तीन। अब यहां पर देखिए सात के पहले आपको छह सात आठ नहीं करना है, जिस क्रम से इसको आपने लिखा है, जैसे एक दो तीन लिखे हैं तो इसको आप सात आठ नौ करेंगे और इसको आपको चार पांच और छह करेंगे, ठीक है, ये चार पांच छह होगा। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को आपको ये तो समझ आ गया है, अब जो सबसे छोटी संख्या होगा उसमें आपको बड़ी संख्याओं को पलट कर लिखना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को पलट कर लिखना है। मतलब ये जो संख्या दिख रहा है उसको आपको यहां पर लिख लेना होगा, ये देखिए, और ये जो संख्या है उसको पलट करके आपको यहां पर लिख लेना है, ये देखिए, और इस संख्या को इसी जगह पलट करके लिख लेंगे, मतलब छह पांच और चार। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार जैसे ही हम करेंगे तो हमारा जो योग है ना परफेक्ट रूप से सात तीन दस नौ और एक दस छह चार दस, सभी संख्याओं का योग आपस में दस ही हो रहा है, तो दस तैतीस हासिल तीन चला जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस प्रकार के संख्या हर बार मिलेगा, और इसमें आप अपने अनुसार कोई भी संख्या सोच करके पहले से लिख सकते हैं। देखिए यहां पर 369 जरूरी नहीं है, आप कागज की पर्ची में जो संख्या लिखना चाहें, जो उत्तर लाना चाहते हैं उसको आप पहले से लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखिए इस प्रकार के जादुई ट्रिक को, अगर मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़े में मैं उत्तर को पहले से लिखना चाहता हूं, तो मुझे तो पता है कि यहां पर उत्तर मुझे क्या लाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मान ले जाए यहां पर कोई भी एक यूनिक संख्या, चलो मैं यहां पर 143 लिखता हूं और इस 143 को जोड़ करके मैं लिख दूंगा, यहां पर चार और तीन सात, यहां पर चार आएगा और यहां पर तीन। अब इसे मुझे क्या करना है, इसमें लिख देना है, क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे 3 4 7 और 3, अर्थात ये हमारा वो जादुई संख्या बन जाएगा जिसको हमें क्या करना है, यहां पर छुपा के रख देना है और इसको हमें इस प्रकार रख देना है। अब जब हम जादुई ट्रिक बताएंगे तो हमको तो पता है कि हमने संख्या कौन सा लिखा है, तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से संख्या को जोड़ करके इस कागज के पर्ची के नीचे लिखा है, उसी संख्या को आपको यहां पर जोड़ना होगा, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये तो हो गया गणित के जादुई ट्रिक जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप कोई भी, ध्यान दीजिएगा, जब आपने क्या किया एक से लेकर नौ तक के संख्याओं को तीन तीन के जोड़े में लिख रहे थे, मतलब कोई भी तीन अंकों का जोड़ा ले रहे थे और उनको तीन भागों में आपने जोड़ा, तो उसका योग जो है यूनिक टाइप का आया। लेकिन आपको पता है कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ को यदि हम पलट कर जोड़े, मतलब नौ, या फिर इसको इस प्रकार लिखा जाए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ और नौ, ठीक है, इसको हमने आपस में जोड़ा तो यहां पर शून्य आएगा और बाकी सभी जगह जितना संख्या आपको दिख रहा है उसके आधार पर यहां पर एक आएगा, इतना एक आएगा। लेकिन देखिए इसमें हमने कितने संख्याओं का जोड़ा बनाया है, एक संख्याओं का जोड़ा बनाया, और अभी जो हम जादुई ट्रिक कर रहे थे उसमें तीन संख्याओं का जोड़ा था, तो एक संख्याओं के जोड़े में इतना संख्या आता है, अब ये टोटल नौ संख्या है, तो हमने दो दो अंकों की संख्या का जोड़ा बनाया था,
दो दो अंक, दो दो अंक लिए थे और कितने बार लिए थे, एक दो और तीन बार। अब तीन बार लेंगे तो हमारी संख्या कितना आ जाएगा, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा, तीन तीन अंकों का जोड़ा का। अब इसको हम जोड़ेंगे तो थ्री 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 और जीरो आएगा, तो यहां से बना था। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो अलग टाइप का है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, गणित के जादुई ट्रिक को ठीक से सीखते नहीं है और कमेंट करते हैं कि सर ये जादुई ट्रिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोई भी संख्या लेते हैं तो उसके लिए अलग जादुई ट्रिक है। यहां पर मैं कोई संख्या लिख देता हूं 108 और 9, और दोस्तों मैं आपको कहूं कि आप कुछ भी संख्या सोचें आपका उत्तर यही आने वाला है। जी हाँ, यही आने वाला है। बस आपके वो जो तीन संख्या होगा ना उसके इकाई और सैकड़ा के जो अंक है वो बराबर नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। मान लीजिए आपने यहां पर 4 लिया, यहां पर 7 लिया और यहां पर आपने 3 ले लिया। मैंने आपको क्या बताया है कि आपको कोई भी तीन संख्या लिखना है लेकिन इनके इकाई और सैकड़ा का जो संख्या है वो बराबर नहीं होना चाहिए, इतना आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, इनके संख्याओं को आपको क्या करना है, आपस में इस प्रकार प्लेट लेना है कि बीच की संख्या को कुछ भी नहीं करना है। मतलब 7 को 7 ही रहने देंगे, 3 को यहां ले आएंगे और 4 को यहां पे ले आएंगे। अब इसको आपस में माइनस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके दो अलग अलग ट्रिक है। मैं पहला जो ट्रिक बता रहा हूं उसमें आप कोई भी तीन संख्या ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी तीन संख्या लेंगे लेकिन सैकड़ा और इकाई के अंक बराबर नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपस में पलट लेना है, मतलब बीच की संख्या को नहीं पलटना है। फिर यहां पर देखिए, इसको हम यहां पर एक उधार लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां पर एक उधार चला गया तो 6 बचा है। अब ये इनसे एक उधार लाएगा तो यहां पर कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब 16 है मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 9, और यहां पर तो 0 हो जाएगा। अब ये जो तीन अंकों की संख्या, ध्यान दीजिए, एक बार आपने घटाया है और एक बार इसको तीन अंकों की संख्या मानना है, भाई यहां पर 0 लिखना है और इसी संख्या को आपको पलट करके जोड़ना है। मतलब आप क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे क्योंकि हमें तीन अंकों की संख्या बनाना है। अब यहां पर जो उत्तर आएगा, देखिए यहां पर 9 आएगा, 9 दुनिया 18 का 8 आएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा, जो कि आपका उत्तर यहां पर दिख रहा है। अब ये कोई भी तीन अंकों की संख्या के लिए लागू होगा, बस ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं लेकिन अगर इसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको कम से कम तीन ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी लगातार संख्या लेते हैं 4, 5 और 6, या फिर आप कोई भी संख्या ले लेते हैं 7, 8 और 9, ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपको एक बार बढ़ते क्रम और एक बार घटते क्रम में लिख लेना है। अब ये संख्या जो है हमें छोटा दिख रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर 4, 5, 6 लिए हैं तो ये छोटा संख्या है। अब इसको हम पलट कर लिखेंगे तो 6 को यहां पर लिखेंगे, 5 यहां पर, 4 को यहां पर, क्योंकि हमें बीच की संख्या को नहीं पलटना है। यहां पर देखिए 7, 8, 9 है तो निश्चित रूप से इनको हम पलट कर लिखेंगे ना तो 9, 8, 7 लिखेंगे। इसको आपस में माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। याद रखिए जब भी कोई तीन अंकों की संख्या आप लगातार लिखते हैं, अब यहां पर लगातार की बात कर रहे हैं, कई लोग लगातार बोलने के बाद भी इस प्रकार की संख्या नहीं लेते हैं और कुछ भी संख्या ले लेते हैं और इस ट्रिक को अपनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपका उत्तर जो है 198 आएगा हर बार। कब, जब कोई भी तीन लगातार संख्या लेते हैं, तीन लगातार की बात कर रहे हैं, तीन लगातार अंक होना चाहिए भी, तीन लगातार अंक को आप एक बार क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं और एक बार बढ़ते क्रम में लिखते हैं और आपस में घटाते हैं, तो यहां पर आपको घटाने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा उत्तर लिखना है 198। आपको सीधा उत्तर लिखना है 198। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भी लगातार तीन अंकों की लगातार संख्याओं के लिए लागू होता है। लगातार होना चाहिए और इसी प्रकार लिखा होना चाहिए, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आपस में आपने उसको क्या कर दिया, पलट दिया, बीच की संख्या को बीच में ही रखना है, इस प्रकार करना है। तो 198 ही कब आएगा, जब केवल एक बार घटाएंगे। लेकिन हमने बताया है कि इसको अगर हम पलट करके फिर से जोड़ते हैं तो 8 यहां पे आएगा, 9 यहां पे आएगा, 1 यहां पे आएगा। इसको हम करेंगे, ये भी वही है तो संख्या तो सेम है, तो यहां पर कितना जाएगा, देखिए यहां पर 8 और 1 9 आएगा, 9 दुनिया 18 का 8 आएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 8 और 2 10। मतलब जब आप एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे तो उत्तर आपका 1089 ही आएगा। लेकिन कोई भी तीन लगातार अंकों से आप तीन अंकों की संख्या बनाते हैं और आपस में पलट करके घटाते हैं तो 198 ही आता है हर बार। तो निश्चित रूप से आज आपको बहुत ही आसानी से मैंने जो तीन ट्रिक बताए हैं बहुत आसानी से समझ आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही दो शानदार वीडियो आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।